वेलकम टू फाइजा किचन एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताऊंगी टोमेटो का पेस्ट प्योरी बना के हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से हम पूरे इन टोमेटोज को भी स्टोर कर सकते हैं लंबे वक्फे के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। मैं आपको चार तरीके बताऊंगी। पहला मेथड जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें हम टमाटरों को पहले बीच से इस तरीके से कट करेंगे, फिर उसके बाद ये इनका ऊपर का जो पार्ट होता है जहां से ये दरख से जुड़े होते हैं इसको हम यून करके निकाल देंगे, और इसी तरह से नीचे जो ये ब्लैक सा होता है इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। अब ये टमाटर इस हालत में है। अब आपने क्या करना है कि इनके स्लाइसेस कर लीजिए, जैसे कि हम फलों को काटते हैं, सेब काट के खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। इस तरीके से स्लाइसेस करने के बाद अब आप इन्हें एक किसी भी बर्तन में रखिए। मैंने इस वक्त प्लेट ले ली है और हम इन्हें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी स्पेस से रखेंगे प्लेट में और इन्हें फ्रीज कर देंगे। जब भी एक दफा फ्रीज हो जाएंगे कुछ घंटों बाद, फिर हम इन्हें जिप लॉक बैग में डाल के सील कर देंगे। तो ये था पहला तरीका। सेकेंड तरीका ये है कि आप एक टोमेटो लीजिए, उसको फिर से सेंटर से कट कीजिए। अगेन हम उसका ये टॉप और बॉटम पार्ट निकाल देंगे जो ब्लैक सा होता है। इस कि मैं एक ट्रिक आपको बताती हूं, ये निकालने बहुत जरूरी होते हैं। कुछ लोग इन्हें छोड़ देते हैं तभी उनके टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं और फ्रीजर से निकलने के बाद अपनी शक्ल भी चेंज कर लेते हैं। तो ये आपने निकाल दिया, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आप फिर से स्लाइसेस में काट लें और इनके क्यूब्स काट लें। तो हम इस तरीके से इसे काट लेंगे। अब ये आप रफली किसी भी शेप में काट सकते हैं क्योंकि हमें इसे करना है ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड, और ये मेरा नो कुकिंग मेथड है। इसमें आपको टमाटरों को पानी में पकाना नहीं है बल्कि वक्त बचाना है, खासकर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो जॉब वगैरह करती हैं, या जिनके बच्चे छोटे होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, या अचानक जिनके यहाँ मेहमान आते हों। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक रहती है। आपने इस तरीके से कट करके इसे डाल दिया और इनके हेड और ये पहले ही निकाल दिए थे, बस अब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जार में हमने टोमेटो क्यूब्स डाल लिए जो भी हमने कट किए थे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप अपने घर में यूज करते हो, ताकि ये प्योरी जब हम इसकी बनाएं तो ये खराब ना हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉल्ट, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी सॉल्ट। अब हम इसे क्लोज करेंगे जार को और इसे प्योरी बना लेंगे। मैं यूज करती हूँ रसल हुप्स, आप देख लीजिए ये बहुत ही जल्दी आपको प्योरी की फॉर्म में इसको दे देगा। ब्लेंडिंग जार्स में अमूमन दूसरे जो ब्लेंडर्स होते हैं उनमें पानी डालना पड़ता है, मैं इसे बिना पानी के आपको पीस के बताऊंगी। ये इतना अच्छा है, आप यकीन जानिए, इसमें मैं आइस क्यूब्स डाल के भी क्रश करती हूँ तो भी ब्लेड खराब नहीं होते। एक सेकेंड में तैयार। तरीके को हम शुरू करते हैं, इसमें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे और ये पूरा टोमेटो हम इसमें अभी कुकिंग पॉट में डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इस तरीके से आपको जितने भी टमाटर आपको यूज करने हो स्टोर करने की नीयत से, आप इसे इस तरीके से पॉट में डालिए, पानी डालिए और इसको फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। 8-9 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं और ये देखें टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं और ये इसकी स्किन आराम से उतरने लग गई है। बस अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने छोड़ देंगे, फिर हम इसकी स्किन पील ऑफ कर लेंगे। ये टमाटर ठंडे होने के बाद हमने ब्लेंडिंग जार में डाल लिए थे, अब हम इसमें भी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कोई सा भी कुकिंग ऑयल जैसे हमने अपने दूसरी ट्रिक में किया था डालेंगे और बस अब हम इसकी प्योरी बना लेंगे। कुछ ही सेकेंड्स में प्योरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये वो पके हुए टमाटर हैं जो भाप में हमने जिनके छिलके उतारे थे गलाने के बाद। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हो गई है। अब हम इन्हें कंटेनर्स में डाल के फ्रीज कर लेंगे। ये कंटेनर्स हैं मेरे पास, अब इनमें मैं ये प्योरी डाल के रेडी करूंगी। और बल्कि मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, मैंने अभी कैरेफोर से ऑर्डर किया है, ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाई थी और उसमें बहुत अच्छी ऑफर लगाई हुई है कैरेफोर वालों ने, 5 दरम, 10 दरम, 20 दरम।
ये मेरे पास कल ही पहुंचा है ग्रोसरी के साथ और ये इतने क्यूट हैं, आप देखें किचन वेयर सेट, रिंग भी आया है, हम इसे हैंग कर सकते हैं। बल्कि मैं भी इसमें से एक खोलती हूँ और इसे वॉश करके फिर खाली करने के लिए, बहुत अच्छा ये है, हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमने इसको अभी वॉश कर लिया है और मैं इसको अभी क्लीन क्लोथ से ड्राई कर लिया है ताकि मैं इसे यूज कर सकूं। अच्छा, तो हम एक एक कंटेनर में से फिल करेंगे। अभी मैं अपने सिलिकॉन स्पैचुला से इसे खाली कर दूंगी। सिलिकॉन स्पून्स और ये सिलिकॉन स्पैचुलास किचन में आजकल बेस्ट रहते हैं। देखें, इनसे आपके ब्लेंडिंग जार से अगर आप कोई चीज़ खाली कर रहे हैं तो उसमें कोई खुरच का निशान भी नहीं आता, वरना अगर आप हार्ड स्पून्स लगाएंगे या मेटल की चीज़ें लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि निशान आ जाते हैं बर्तनों में। इनकी वजह से आप आराम से चीज़ें खाली कर लेते हैं और कोई निशान नहीं आता। और बड़े क्यूट से हैं, देखें मल्टीपल कलर्स हैं, हर डिज़ाइन का है, ब्रश भी है ऑयलिंग वाला, ये स्पून शेप का भी है और ये 5 शेप्स हैं, बहुत अच्छे मिल गए मुझे। ये 20 दिरहम के थे शायद, 50% ऑफ था, आई गेस मुझे 10 के मिले हैं। ये देखें हमारे टोमेटो स्लाइसेस कैसे फ्रीज होके निकले आए। इनको अब हम एक जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लेंगे। एक दफा ये इस तरह की अपनी शेप पकड़ लें तो इन्हें रखना बहुत ही आसान हो जाता है। अक्सर ईदों से पहले टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी हम बल्क में ग्रोसरी करके ले आते हैं तो फिर वो फ्रिज में रखे रखे सॉफ्ट हो जाते हैं, और एक दफा अगर टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो काटना उन्हें बहुत मुश्किल महसूस होता है। तो इसलिए अगर आप पहले ही फ्रेश टोमेटोज को क्लीन करके अच्छे से वॉश करके इन्हें इस तरह से कट करके जिप लॉक बैग में डाल लें तो कुकिंग टाइम भी आपका रिड्यूस होता है और चीजें खराब भी नहीं होती। चौथे तरीके की तरफ आते हैं, हमने टोमेटो लिया, अगेन हम इसको फिर से निकाल देंगे, आराम से निकले आते हैं। अच्छा, अब आपने ये करना है, इस तरीके में थोड़ा सा फर्क ये है, ये इसका ब्लैक पार्ट निकालने के बाद आपने इस पे इस तरीके से कट लगा के छोड़ देना है, ऐसे और ऐसे। ये कट लगाना बहुत जरूरी है, इसका आपको फायदा तब पता चलेगा जब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी ये फ्रीज होने के बाद कितनी आसानी से फिर ये छिलका उतर जाता है। तो ये कट लगा के आपने इस तरह से सारे टमाटरों को रेडी कर देना है। ये मैं बताते चलूं कि मैंने वीडियो बनाने के शुरू में ही सारे टमाटरों को वॉश करके, क्लीन करके, खुश करके रेडी रखा था। देखिए, मैंने इस तरह से टमाटरों को रेडी कर लिया है। अब हम एक जिप लॉक बैग लेंगे और इसको इनमें इस तरीके से डाल के हवा निकाल देंगे, जितनी निकाल सकते हैं इस तरीके से करके, और अब हम इसे फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर देंगे। एक टोमेटो मैं आपको इसका छिलका पील करके छील के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से इसका छिलका उतर जाता है और पूरा का पूरा टमाटर हमारे हाथ में आ जाता है। अब आप चाहें तो इसे ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के जिस वक्त पकाना उस वक्त यूज करें। ये देखिए पूरा आराम से टमाटर निकला है। तो ये है फायदा इस तरह से टमाटरों को कट लगा के फ्रीज करने का लंबे वक्त के लिए। आपने भी वीडियो में देखा है कि मैंने ये छोटे छोटे बॉक्सेस में फ्रीज किया है टमाटो की प्योरी बनाकर। ये वो वाली है जो हमने पकाई थी, और इसके बाद ये टोमेटोज मैंने सॉलिड आपको दिखाती हूँ, मैं खोल के फ्रीज किए हैं कट लगा के इस तरीके से, प्लस की साइन में कट लगा के, याद है आपको मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये अभी जमने के बाद मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। और ये टोमेटो के स्लाइसेस ये देखिए कितने अच्छे ये हो गए हैं फ्रीज बिल्कुल। और इसी तरीके से मैंने कुछ टोमेटो को छोटा छोटा चॉप करके भी रख लिया है। और फिर ये जो कंटेनर्स हैं इनमें हमने फ्रीज किया, बल्कि मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये जब आपने पकाना हो, सालन वगैरह आप बना रहे हैं तो आप इसको, ये देखिए ये क्यूब निकल आ रहा है।